हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिटेल मैनेजमेंट स्किल्स क्लासेस बाय ए के एम अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आज हम क्वालिफिकेशन पैक रिटेल सेल्स एसोसिएट आर एस क्यू नॉट वन नॉट फोर के अंडर एन ओएस नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड टू मैक्सिमाइज सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसज़ जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉस है इस क्वालिफ़िकेशन पैक का वो करने जा रहे हैं सो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं न कि टू मैक्सिमाइज सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसज़ का क्या मतलब है कि अगर कोई रिटेल स्टोर अपनी सेल सेल को इंक्रीज करना चाहता है मैक्सिमाइज करना चाहता है अपने प्रोडक्ट्स को चाहे वो गुड्स हैं चाहे वो सर्विसेज हैं तो वो किस तरह से कर सकता है और एक रिटेल सेल्स एसोसिएट इसको इंक्रीज करने में किस तरह से हेल्प कर सकता है तो उसके परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज़ क्या क्या हैं और किन क्राइटेरियाज़ पे उसको खरा उतरना होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो so, सबसे पहले हम इन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो इस नोस के अंडर हैं उसको वन बाई वन रीड आउट कर लेते हैं फिर हम इनको वन बाई वन डिस्कस करेंगे डिटेल में तो स्टार्ट करते हैं टू मैक्सीमाइज सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस सो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो हैं इसमें दो एलिमेंट्स में डिवाइडेड हैं फर्स्ट एलिमेंट है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज सेल्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स इसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया फर्स्ट है आइडेंटिफाई प्रमोशनल ऑपरचुनिटीज एंड एस्टिमेट देअर पोटेंशियल टू इंक्रीज सेल्स परफॉर्मेंस क्राइटेरिया टू Identify promotional opportunities which offer the greatest potential to increase sale PC 3 report promotional opportunities to the right person PC 4 filling the relevant record fully and accurately Now element 2 promote particular product PC 5 tell customers about promotions clearly and in a persuasive way पी सी सिक्स आइडेंटिफाई एंड टेक द मोस्ट इफेक्टिव एक्शन फॉर कन्वर्टिंग प्रमोशनल सेल इंटू रेगुलर फ्यूचर सेल पी सी सेवन गैदर रेलिवेंट एंड एकट इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रमोशन एंड कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन क्लियरली टू द राइट पर्सन पी सी एट रिकॉर्ड क्लियरली एंड एकोरेटली द रिजल्ट ऑफ प्रमोशन सो इस तरह से टोटल दो एलिमेंट्स में ये टोटल एट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया डिवाइडेड हैं सो so, स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन इन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को डिस्कस करने के लिए तो फर्स्ट जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है उसमें फ़र्स्ट एलिमेंट जो हमारा है उसका है एडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज सेल्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की सेल को इनक्रीज़ करने के लिए हम किस तरह की ओपर्चुनिटीज़ें किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकती हैं सो स्टार्ट करते हैं पी सी वन आइडेंटिफाई प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड एस्टिमेट देयर पोटेंशियल टू इंक्रीज सेल सो यहाँ पे इस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में ये बात की जा रही है कि यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो सेल्स पे ना होकर यहाँ पे हम हमारा मेन फोकस है कि, कि जो हमारा कस्टमर है उसको कैसे रिटेन करके रखना है कैसे कस्टमर को लॉयल बनाना है और कैसे न्यू कस्टमर्स को भी अपने प्रोडक्ट्स के प्रति अट्रैक्ट करना है सो so, इसके लिए वेरियस कम्युनिकेशन मिक्स जो हम यूज़ में करते हैं उनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे सो so, इसमें टोटल एट कम्युनिकेशन मिक्स हम जनरली यूज़ करते हैं वो हैं पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी सेकेंड इज़ डायरेक्ट मार्केटिंग थर्ड इज़ इंटरेक्टिव मार्केटिंग फोर्थ इज़ वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग फिफ्थ इज़ पर्सनल सेलिंग सिक्स इज़ एडवरटाइजिंग सेवन्थ इज सेल्स प्रमोशन एंड लास्ट वन इज़ इवेंट एंड एक्सपीरियंस सो वन बाय वन इन कम्युनिकेशन मिक्स के बारे में हम स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में ये कम्युनिकेशन मिक्स क्या है और हम इनको किस तरह से प्रयोग करते हैं सो so स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इज़ एडवरटाइजमेंट एडवर्टाइजिंग बेसिकली क्या है एक मार्केटिंग टेक्निक है जिसमें हम क्या है पेड फॉर्म हैं बेसिकली जिसमें कि कोई भी कंपनी या रिटेल स्टोर जो है अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट uh, करने के लिए मैसेज को फ्लोट करने के लिए पेड पैसे देता है किसी दूसरी कंपनी को और एक विज़ुअल ग्राफिक के थ्रू इसको प्रेजेंट किया जाता है तो ये प्रोडक्ट भी हो सकता है ये प्रोडक्ट ये सर्विस प्रोडक्ट भी हो सकता है ये गुड्स प्रोडक्ट भी हो सकता है सो प्रमोशनल मैसेज को हम जनरली एडवरटाइजमेंट बोलते हैं और शॉर्ट में हम एडवर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं और मेनली इस एडवर्टाइजमेंट का ये गोल होता है कि ये कस्टमर तक पहुंचता है जो कंज्यूमर है वहाँ तक है है ना और जब वो मैसेज जो है ये मैसेज जो है जनरली अपीलिंग होते हैं और कस्टमर जब इनको देखता है तो उसको नॉलेज आ जाती है उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो जाता है और हीज़ uh, ही uh, और शी इज़ रेडी टू इंटाइस देम टू बाय और यह बिजली अपीलिंग होने के साथ साथ वो जो कस्टमर है वो उसको ख़रीदने के लिए रेडी हो जाता है देन जिस जिन जिन अलग अलग टाइप ऑफ मैथर्स के साथ एडवर्टाइजमेंट की जाती है वो है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग मैगजीन रेडियो टेलीविजन के थ्रू डायरेक्ट्रीज के थ्रू डायरेक्ट मेल्स के थ्रू कैटलॉग्स के थ्रू लीफलेट्स के थ्रू या ऑनलाइन ऑनलाइन का तो बेस्ट एग्जांपल आप फेसबुक पे भी देखते हैं यूट्यूब्स पे भी देखते हैं कि वीडियोस के अंदर और हमारे पास जो है फेसबुक में जब हम स्क्रॉल करके देखते हैं तो बीच में एडवर्टाइजमेंट आती हैं प्रोडक्ट्स की तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट की जाती है नाउ द सेकेंड इज़ सेल्स प्रमोशन सेल्स प्रमोशन क्या है कि जो भी हमारा पोटेंशियल कस्टमर है उसको प्रोडक्ट को ख़रीदवाने के लिए है ना ये एक प्रोसेस है जिसमें ना इमीजिएटली कस्टमर जो है वो इन टेक्निक्स को देख के जल्दी ही वो क्या है अपील्ड हो जाता है अट्रैक्ट हो जाता है तो उसके माइंड में बैठ जाता है कि वो जो है प्रोडक्ट खरीदेगा तो शॉर्ट बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है बट कस्टमर को अगर लॉयल बनाना है तो इन चीज़ों को लॉन्ग टर्म्स के लिए भी यूज़ किया जाता है सो सेल्स प्रमोशन जो है जनरली कंज्यूमर्स को एम करके बनाई जाती हैं है ना और ये जो टेक्निक हैं जैसे आपने सेल्स ऑफर देखे होंगे डिस्काउंट्स देखे होंगे स्कीम्स देखी होंगी वेरियस ऑन प्रोडक्ट्स है ना सेल ऑन सेल लग, देखा होगा फिर देन कॉम्पटिशन्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं समटाइम समाइम कूपन्स दिए जाते हैं तो ये सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स हैं इस तरह से और भी बहुत तरीक़े हैं जिस तरीके से सेल्स प्रमोशन की जाती है नाओ इवेंट एंड एक्सपीरियंस अब इवेंट एंड एक्सपीरियंस ये ये भी एक कम्युनिकेशन मिक्स टूल है या प्रमोशन मिक्स टूल है सो so, इसमें क्या है बेसिकली क्या है इवेंट किसे कहा जाता है कोई भी पर्टिकुलर कंटेस्ट जो है जो किसी भी प्रोग्राम का पार्ट हो सकता है जो होता है उसे हम इवेंट कहते हैं जैसे स्पोर्ट्स इवेंट जैसे आई पी एल सो यहाँ पर क्या किया जाता है यहाँ पर भी बैनर्स वगैरह डिस्प्ले किए जाते हैं स्पॉन्सरशिप दी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं इवेंट मार्केटिंग बोली बोल देते हैं है ना जो कि एक प्रमोशनल टूल है जैसे एक लॉन्ग जम्प एट अ स्कूल फील्ड डे है ना सो so, ये क्या है एक तरह का इवेंट है और एक्सपीरियंस क्या है बेसिकली प्रैक्टिकल कॉन्टैक्ट विद द विद एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट ऑब्ज़रवेशन है बेसिकली ये कि आपको वहाँ अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को आपने जाके ऑब्ज़रव किया है तो आपसे कोई उसके बारे में पूछता है तो वो क्या है ना उसे हम क्या बोल देते हैं एक्सपीरियंस बोल देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पर्टिकुलरली ए बी सी होटल फाइव स्टार होटल में गया था तो वहाँ की सर्विसज़ कैसी थी अगर किसी ने मेरे को पूछा है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं उसको वहाँ ले जा कर दिखाऊँ ले जाने से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर मैं उससे बातचीत करता हूँ कि हम मुझे सर्विसेज अच्छी लगी थी या बिल्कुल अच्छी नहीं थी या ठीक ठीक थी सो so, इसके बारे में बताता हूँ तो उसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं प्रमोशन का काम करती हैं नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशनशिप एंड पब्लिसिटी सो ये स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन प्रोसेस है और ये क्या है दोनों को बेनिफिशियल होता है ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है सो जनरली पब्लिक रिलेशनशिप या पी आर जिसको हम बोल देते हैं या पब्लिसिटी जिसको बोल देते हैं वो क्या है जनरली uh, न्यूज़पेपर या मीडिया देखा होगा आपने है ना या मार्केटिंग कम्युनिकेशन या कंज्यूमर रिलेशन मीडिया प्रोडक्शनस है ना ये देखी होंगी तो इनके थ्रू जो है पब्लिक रिलेशनशिप का यूज़ किया जाता है तो न्यूज़पेपर बेस्ट एग्जांपल है इसका है ना दोनों के लिए न्यूज़ का भी पता चलता है साथ में आपको उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस के बारे में भी पता चलता है देन पर्सनल सेलिंग नाम से ही इंडिकेट हो रहा है पर्सनल सेलिंग ठीक है सो तो जो जो प्रोडक्ट जो है फ़ेस टू फेस, फेस कस्टमर के साथ मीटिंग करने के बाद किया जाता है उसको हम पर्सनल सेलिंग में यूज़ करते हैं तो नाम से इंडिकेट हो रहा फेस टू फेस बात करके उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है देन डायरेक्ट मार्केटिंग डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या है डायरेक्ट मार्केटिंग जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं वो डायरेक्टली टू द पब्लिक पब्लिक को सेल कर दिए जाते हैं ठीक है जैसे है ना और ये किस तरह से की जाती है डायरेक्ट मार्केटिंग बाय मेल ऑर्डर टेलीफोन के थ्रू या आ, रिटेलर से डायरेक्ट कनेक्ट कंटेक्ट नहीं की जाती बल्कि इन चैनल्स के थ्रू ये आ, मार्केटिंग की जाती है देन नेक्स्ट वर्ड ऑफ माउथ नाम से पता चला है कि वर्ड ऑफ माउथ मुंह से निकला शब्द सो so, जो भी वर्ड्स हम किसी प्रोडक्ट के बारे में ना ओरली कम्युनिकेट करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ना तो उसे हम क्या कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं तो जैसे एक स्टोरी टेल टेलिंग कर दी हमने या किसी प्रोडक्ट्स के बारे में आपने औरली डेमोस्ट्रेट कर दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ सो बेस्ट एग्जाम्पल है स्टोरी टेलिंग so या एक्सपीरियंस शेयरिंग औरली तो ये जो है वर्ड ऑफ माउथ के एग्जाम्पल्स हैं नाउ इंटरेक्टिव मार्केटिंग इंटरेक्टिव मार्केटिंग नाम से ही पता चल रहा है वन टू वन मार्केटिंग प्रैक्टिस है जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कस्टमर और प्रॉस्पेक्टर्स के एक्शंस को लेकर होगी सो so, ये जनरली कस्टमर को ट्रिगर करती है उसके बिहेवियर और प्रेफरेंस को ट्रिगर करती है ना और कहीं कही ना कहीं वो पर्सन जो है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए इच्छुक हो जाता है आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो ना कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है क्विजीज ऑर्गेनाइज या टेस्ट ऑर्गेनाइज करती हैं कि हम अगर नाइन्टी मार्क्स आते हैं तो आपको जो है इतने परसेंट छूट मिलेगी आपकी फ़ीस में कंसेशन होगी है ना तो इस तरह के कंटेस्ट या कोज करवाना या पोल्स करवाना आपने देखा होगा मीडिया में मिस्ड कॉल मांगी जाती है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर पोलिंग के लिए या पोल्स डलवाए जाते हैं तो पोल जो है मिस कॉल के थ्रू या बॉटिंग करवाना है ना इस तरह के जो टेक्निक्स हैं वो इंट्रैक्टिव मार्केटिंग में ली जाती है और ये एक Uh, आज की डेट में बहुत ही फेमस सोशल मीडिया पे भी देखा होगा आपने बहुत ही फेमस कम्युनिकेशन मिक्स टूल या प्रमोशन मिक्स टूल है देन पी सी टू आइडेंटिफाई प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ विच ऑफर द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल टू इंक्रीज सेल्स अब हमें पता है कि किसी भी प्रमोशन जो मिक्स हम यूज़ करते हैं उसका मेन पर्पस है कि डिमांड को इंक्रीज करना प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करना और अपने ब्रांड के नेम को एक्सपेंड करना सो so, बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन मिक्स टूल्स जो हैं हम यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंक्रीज Uh, की सेल को इंक्रीज करने के लिए सो so, हमें बेस्ट जो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं है ना जिससे हम पोटें अपनी सेल्स पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर सकते हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्पेंड मनी ऑन और टोटल uh, uh, जो कॉस्ट है हमारी ना उस सारी की सारी को हर टाइप के टूल्स पे यूटिलाइज़ किया जा सके और Uh, हमें जो है रिज़ल्ट बाद में उसका कुछ भी नजर आए तो आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है नौ पी सी थ्री रिपोर्ट प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ टू द राइट पर्सन यहाँ पे राइट पर्सन हमारा जो है टारगेट कस्टमर की बात की गई है कि टारगेट कस्टमर जो है हमारा राइट पर्सन है सो so, uh, हमें पता है कि मार्केटिंग में तीन मेन कॉन्सेप्ट है सिगमेंटेशन पोजीशनिंग एंड टारगेटिंग सो so, सिगमेंटेशन क्या होता है पूरी मार्केट की डिवीज़न करना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवीज़न डिवाइड करना और पोजीशनिंग क्या हुई कि हमें वो प्रोडक्ट कहाँ पे पोजीशन करना है कहाँ पे सेल आउट करने के लिए और हमारा टारगेट कस्टमर कौन सा है सो so, इन कॉन्सेप्ट कौ को यूज़ करके हम आ, हम जो है ये आइडेंटिफाई ईजिली कर सकते हैं कि हमारा राइट पर्सन कौन है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए फॉर एग्जाम्पल हमें मुझे यंग जनरेशन को बुलन क्लॉथ्स सेल आउट करनी है सो so, सबसे पहले मैं क्या करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो टारगेट कंट्री uh, है वो इंडिया है सो so, मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पड़ेगा कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा बुलेंस क्लोथ्स की बिक्री होती है सेल होती है सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने इंडिया के फाइव uh, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड सेंटर है ना अब मुझे जो है नॉर्थ जून में बहुत ज़्यादा जे के या हिमाचल प्रदेश के एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है सो so, मेरी क्या है सिगमेंटेशन होगी कि कौन से सिगमेंट को मैं टारगेट करूँगा डिफरेंट हैं है तो जिसमें मैंने हिमाचल प्रदेश को टारगेट कर लिया या जे को टारगेट कर लिया तो ये मैंने क्या किया पूरी इंडिया मार्केट का क्या कर दिया पार्ट्स कर दिया इसको हम बोलेंगे सेगमेंटेशन नाउ मुझे पोजीशन करना है अब हिमाचल में हर कोने में एक जैसी एक सामान सी सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेके चलते हैं कि लाहौल स्पीति और किन्नौर के एरिया को लेके चलते हैं तो वहाँ पे क्या है ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है या श्रीनगर के एरिया में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो मैंने उस एरिया में अपने प्रोडक्ट का स्टोर ओपन करना है ठीक है तो ये हो गई पुजिशनिंग पोजिशनिंग में हमने पर्टिकुलर एरिया को डिफ़ाइन कर लिया कि कहाँ पे मैंने को अपना स्टोर ओपन करना है नाउ ये जो क्लोथ्स uh, हैं ये यंग जनरेशन के क्योंकि अट्रैक्टिव हैं थोड़े फंकी स्टाइल में हैं स्टाइलिश क्लोथ हैं सो ये नॉट मेड फॉर द ओल्ड और एडल्ट अडल्टसन्स ये यंग जनरेशन के लिए हैं न so, सो मैं क्या करूँगा मेरी टारगेट ऑडियंस या कस्टमर कौन आ गई यंग जनरेशन आ गई सो so, मुझे अपनी प्रोडक्ट का जो स्टोर है इस एरिया में ऐसी जगह पर ओपन करना है जहाँ स्कूल या कॉलेज जो है नियरेस्ट हों ताकि कस्टमर जो है वो दे इन प्रोडक्ट्स को देख अट्रैक्ट हो तो इस तरह से हम क्या है आ, आ, इस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में बोल रहा है कि जो भी प्रमोशनल टेक्निक आप अप्लाई करोगे ना वो ये देख के अप्लाई करनी है कि वो राइट पर्सन राइट पर्सन जैसे एग्जांपल में हो गया यंग जनरेशन को टारगेट करे तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है तो हमें इसके लिए डिफरेंट जो प्रमोशनल टेक्निक हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगी नाउ फिल इन दी सी फोर में फिल इन द रेलिवेंट रिकॉर्ड फुली एंड एक्रेटली सो जो भी हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ अप्लाई कर रहे हैं है ना सो so, इन सारी एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड हमें मैंटेन करना है क्योंकि बेसिकली क्या है बिजनेस में क्या है ये माना जाता है कि कॉस्ट होती है हर चीज़ की कॉस्ट लगती है तो कहीं ना कहीं ये ना हो कि कॉस्ट बढ़ती रहे और हमें प्रॉफिट कम हो है ना तो इस चीज़ के लिए बिग टाइम किस प्रमोशनल टेक्निक का किस प्रमोशनल मिक्स का हमें रिज़ल्ट बेटर आ रहे हैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है क्योंकि मल्टीपल एक्टिविटीज़ हम जो हैं अप्लाई करेंगे मल्टीपल एक्टिविटीज़ के जरूरी नहीं है कि एक एक जैसे ही रिस्पांस हो हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट का पैम्फलेट्स के थ्रू किसी प्रोडक्ट्स का जो है मीडिया के थ्रू रिस्पांस आए है ना सो ये चीज़ें रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ विद टाइम क्या है हम उस प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी को टेक्निक को हम कम कर सकते हैं जिसका रिस्पांस जीरो के बराबर है नेग्लीजेबल आ रहा है उसको हम कम करके उस प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं जिस जिसका रिस्पांस ज़्यादा आ रहा है सो so, हमारी नीतो कॉस्ट जो है बढ़ती रहेगी और हमें प्रॉफिट कम होगा तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है so, सो इसलिए रेलिवेंट रिकॉर्ड जो है इसका एक्ोरेटली uh, और फुली मेंटेन करना है ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सी प्रमोशनल एक्टिविटी का रिस्पांस आ रहा है नौ हमारे पास एलिमेंट टू एलिमेंट टू है प्रमोट पर्टिकुलर प्रोडक्ट मीन्स कि हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को किस तरह से प्रमोट करेंगे नौ इसमें पी सी फाइव टेल कस्टमर अबाउट प्रमोशन क्लियरली एंड इन ए वे सो so, जो मेन एम है इस प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का जैसे हमने कि हमने स्टडी किया कि टारगेट इज़ द वो वाला कस्टमर जिसके लिए वो प्रोडक्ट बना हुआ है सो मेन एम हमारा क्या है कि कहीं ना कहीं कस्टमर को अवेयर करना है जहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग की हुई है है ना और हमारा जो है अगर सही तरीके से पोजीशनिंग होगी प्रोडक्ट की तो नेचुरली क्या है आ, ये जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की जो अवेयरनेस है या प्रोडक्ट के बारे में में जो जानकारी है वो कस्टमर के माइंड में अपील कर लेगी और कस्टमर के माइंड में बैठ जाएगी कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस प्लेस पे बिकता है है ना और कहीं कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट बेटर हो जाएगा कंपटीटर्स के प्रोडक्ट्स के ठीक है जो भी हमारी टेक्निक्स हैं प्रमोशन के लिए ये इस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए कि ये जो हमारा मैसेज है इतने अट्रैक्टिव वे में डिस्प्ले हो इतने अट्रैक्टिव वे में इन्वेट करे कस्टमर के माइंड में कि कस्टमर उससे कन्विंस हो जाए इंटाइस हो जाए और वो प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए रेडी हो जाए रादर देन वो कंपिटिटर के प्रोडक्ट को परचेज़ करता है नौ पी सी सिक्स आइडेंटिफाई एंड टेक द मोस्ट इफ़ेक्टिव एक्शन फॉर कन्वर्टिंग प्रमोशनल सेल इन टू रेगुलर फ्यूचर सेल सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल सेल है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट uh, करेंगे कि वो एक सेल में बन जाए ठीक है सो so, हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं सो so, ये जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं ये जनरली दो तरह से होती हैं एक होती है अव द लाइन प्रमोशन और दूसरी होती है बिलो द लाइन प्रमोशन अव द लाइन प्रमोशन जो है पेड फॉर्म है बेसिकली पेड फॉर्म है जिसमें हमें पैसे देकर हमें एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करने पड़ती है एक अकॉर्डिंग टू जो हमें मैसेज डिलीवर करना है कस्टमर को जैसे कि टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट आती है या न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आती है क्योंकि उसकी कॉस्ट होती है बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट होती है तो उसके लिए हमें कॉस्ट दे, देनी पड़ती है प्रमोशन के लिए तो इसको हम अब द लाइन प्रमोशन बोलते हैं और बिलो द लाइन प्रमोशन में हमारे पास अगर हम ऑफर्स देते हैं लाइक सेल्स लगी है या प्रमोशनल कोपन्स देते हैं तो ये बिलो द लाइन प्रमोशन है जिसके लिए हमें कॉस्ट पड़ती है मगर इतनी हाईक इतना हाई अमाउंट कॉस्ट नहीं पड़ती जितना कि टी और न्यूज़पेपर के केस में पड़ती है ना हम बात करते हैं जो भी आ, आ, हमारा एक्शन लिया जाता है वो परमानेंट सेल्स में कब कन्वर्ट हो सकता है वो परमानेंट किस तरह से कन्वर्ट हो सकता है उसका रीजन रीज़न है रीज़न है जब भी आप कोई प्रोडक्ट को सेल करते हो तो लव व्हाट यू आर डूइंग व्हेन यू आर सेलिंग जब भी आप कोई प्रोडक्ट कर रहे हो तो उसको अपने काम से प्यार रखो एज़ ए डेमोस्ट्रेटर एज ए सी एस ए अपने काम से प्यार रखो कि हमें जो प्रोडक्ट सेल आउट करना है ना वो क्या है हमें किस तरह से बेचना है एक जो सेल्समैन होता है उसके पास बहुत ही ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जो प्लान होते हैं जैसे हमने लास्ट उसमें भी मॉड्यूल में भी किया था कि एक जो सेल्समैन होता है उसके पास ना ना पूरा बैकग्राउंड चेक होता है ऑडियंस की परख होती है देन उसके पास रेडी नॉलेज नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट होते हैं पूरा रेडी पैम्फलेट्स उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका क्या आंसर होगा वो पता होता है ना सो so, ये इसी लाइन में यही कहना चाहिए लव वट यू आर डूइंग यू आर डूइंग आर सेलिंग वी नॉलेजल वेल अबाउट द प्रोडक्ट है ना आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए देन बी हेल्प द कस्टमर सीक द पर्क्स है ना आप हमें जब भी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेट करना है तो कहीं ना कहीं हमें उसकी इम्पोर्टेंस इस वे से शो करनी है ताकि वो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करें कस्टमर फील सेटिस्फाइड सेल्फ जब भी कोई प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना है तो वो क्लियर उसके बारे में क्लियरली बताना है कोई भी ऐसे फॉल्स कमिटमेंट नहीं करनी है क्लियर कट बताना है सो so दैट कि उसके माइंड में ये क्लियर पिक्चर है कि नहीं एक्चुअल में क्या है ये प्रोडक्ट जो है उसके लिए सेलेबल है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है नाउ पी सी सेवन पी सी सेवन कह रहा है गैदर रेलिवेंट एंड एकट इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रमोशन एंड कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन क्लियरली टू द राइट पर्सन किसी भी प्रमोशन मिक्स और टूल का जो है इफेक्टिव यूज़ हो रहा है या कौन सी प्रमोशनल uh, टूल से हमें जो है uh, uh, हमारी सेल इंक्रीज हुई है इसकी हमें या हमारा जो प्रमोशनल टूल है वो सक्सेसफुल रहा है इसकी हमें अंडरस्टैंडिंग तभी हो सकती है अगर कस्टमर uh, की अंडरस्टैंडिंग उस प्रोडक्ट्स के लिए है ना सो so, जो भी uh, ये बात का हमें हमेशा माइंड में रखना है कि अच्छा प्रोडक्ट जो होता है वो खरीदा जाता है ना कि बेचा जाता है ना बॉट नॉट सोल्ड ठीक है और ये क्या है सेलिंग सेलिंग जो है एक सपोर्टिंग फंक्शन है किसी भी प्रमोशन का या मार्केटिंग में सपोर्टिंग फंक्शन है तो सेलिंग तभी पॉसिबल होगी अगर वो अच्छे तरीके से किसी प्रोडक्ट के के बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं हम उस प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अगर हमें किसी भी कस्टमर का ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन विल्ड करना है तो हमें उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी हम उसके लिए प्रमोशनल मिक्स का यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें एकूरेट इंफॉर्मेशन विद ऑनेस्टी देनी है और हमें बतानी है तो इस तरह से हम क्या है किसी भी प्रोडक्ट के इफ़ेक्टिवनेस जो उसकी प्रमोशन से हमें आती है या जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में टारगेट you मार्केट know, में सो so वो क्या होनी चाहिए हमारी बिल्कुल एक्यूरेट और रेलेवेंट होनी चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन हम उसको कस्टमर को दे रहे हैं ना पी सी एड पी सी एड बोलता है रिकॉर्ड क्लियरली एंड एकोरेटली द रिज़ल्ट ऑफ प्रमोशंस सो जो भी हम प्रमोशंस uh, के जो भी रिज़ल्ट आ रहे हैं रिज़ल्ट का मतलब यहाँ पर है कि जो भी इफेक्टिवनेस देखने को नजर आ रही है ठीक है वो कब आती है नज़र जब अगर किसी प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज़ हो जाती है एक्सेप्शनली हाई हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है तो इट मीन्स क्या है कि जो हमने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की हैं प्रमोशनल मिक्स या प्रमोशनल टूल का यूज़ किया है उसका इम्पैक्ट शो होना शुरू हो गया है और ये जो है ये जो एनालिसिस है हमें इसकी इफेक्ट इसकी एनालिसिस जो इन इनडेप्थ में करनी पड़ती है ना और जो भी डाटा हमें अवेलेबल है वो हमें एक्टली रिकॉर्ड करना पड़ता है केयरफुली रिकॉर्ड करना पड़ता है न चाहे वो हमारी क्रिएटिविटी के कारण हो चाहे प्राइस लेवल के वेरिएंस के कारण हो चाहे कम्बिनेशन हो किसी भी प्रमोशनल मिक्स का मतलब दो या दो से अधिक प्रमोशनल मिक्स टूल का हम यूज़ कर रहे हैं तो इस रिकॉर्ड एनालिसिस करना ही पड़ता है सो so दैट कि हमें क्लियर कट ये पता चल जाए कि, कि किस वजह से और कौन से प्रमोशनल मिक्स की वजह से हमारी जो है सेल इंक्रीज़ हुई है अगर हमें ये क्योंकि तो हर चीज़ के पीछे क्या होती है कॉस्ट होती है और कॉस्ट कित कितनी हमारी जो है ज़्यादा उसमें खर्चा आ रहा है या कितनी कॉस्ट लग रही है किसी पर्टिकुलर प्रमोशनल मिक्स में तो हमें ये आइडिया पता चल जाता है कि हमें प्रोडक्ट के प्राइस में कितनी वेरिएशन लेकर आनी है किस तरह से हमें अपने प्रमोशनल मिक्स को जस्टिफाई करना है और कौन कौन से प्रमोशनल मिक्स हैं इतने जो भी सात आठ प्रमोशनल मिक्स हमने किए थे तो उसमें से कौन सा प्रमोशनल मिक्स जो है बेटर है जिससे हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए जो है रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं सो so, हर चीज़ का रिकॉर्ड हमें मेनटेन करके रखना है ताकि एनालिसिस की जा सके और हम अपनी जो है सही तरीके से प्रमोशन एक्टिविटीज़ को यूज़ कर सके सो so, आज हमने स्टडी किया कि किस तरह से हम अपनी हाउ टू मैक्सिमाइज आवर सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो उसके लिए किस तरह से प्रमोशन मिक्स कौन कौन से हैं उनको किस तरह से यूज़ करना है और उन प्रमोशनल uh, मिक्स में से जिसका बेस्ट रिज़ल्ट आता है उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है ताकि हमारी जो है फ्यूचर में भी सेल इंक्रीज़ हो और करंट में भी सेल इंक्रीज़ हो और उस मार्केटिंग मिक्स को किस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है सो so दैट की uh, उस प्रमोशन टूल से हमें फ्यूचर में भी फायदा और हो और कस्टमर हमारा रिटेन हो सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस नोस टू मैक्माइज सेल्स ऑफ गुड्स एंड Services, uh, thank you. Thank you from Retail Management Skill Classes by AKM.